ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर मार्केट में इस समय मूड माहौल ही उतार चढ़ाव का है। निवेशकों के लिए बाजार में कोई भी बड़ी पोजीशन लेना मुश्किल हो रहा है। बात अगर बीते हफ्ते की करें तो बाजार ने बुल्स को थका दिया। एक सीमित दायरे में कारोबार होता दिखा। निफ्टी बैंक निफ्टी ने बीते हफ्ते सपाट कारोबार बंद किया है। आखिरी दिन निवेशकों के मन में डर है और बाजार में नर्वसनेस। ऐसे में अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिहाज से कैसा होगा, बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ खास हो सकता है शेयर मार्केट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। निफ्टी 24,000 के स्तर पर ही कारोबार करता नजर आ रहा है। बाजार में कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं बन रही है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मिले जुले रुझानों के बीच घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में दिन भर आखिरी कारोबारी दिन पिछले हफ्ते दबाव दिखा। शुरुआती उठापटक के बाद दोनों इंडेक्स रेड जोन में आ गए और मामूली उतार चढ़ाव के साथ दिन के आखिरी में गिरावट के साथ बंद हुए। बीते हफ्ते की ये पूरी बात थी। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तिमाही के कमजोर रिजल्ट्स और FIIs द्वारा जारी बिकवाली के बीच बीते हफ्ते वॉलेटाइल सत्र रहा है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा। अब अगर एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लें तो बीते हफ्ते निफ्टी 0.20% गिरकर 24,964 के स्तर पर क्लोज हुआ। बात अगर बैंक निफ्टी की जाए तो ये 0.56% गिरकर 51,172 के लेवल पर इसने अपनी क्लोजिंग दी। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हालांकि 0.49% की थोड़ी बढ़त दिखी है और इसने 12,980 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग दी है। अब बात थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक भी कर लेते हैं तो अगर सेक्टर्स पर नजर डालें तो यहाँ मिला जुला रुख देखने को मिला है। निफ्टी फार्मा और ऑटो इंडेक्स में 2-2% की तेजी नजर आई, लेकिन अगर बात निफ्टी आईटी इंडेक्स की करें तो ये तेजी 1% पर ही सिमट गई। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन दूसरी ओर निफ्टी FMCG इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है। निफ्टी मेटल और PSU बैंक में भी 1.5% की गिरावट आती नजर आई है। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया, अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो अगर बात की जाए कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा को तय करेंगे, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चीन की। जी हाँ, पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट में आई गिरावट की एक बड़ी वजह चीन भी रहा था और अब अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए चीन एक बार फिर $325 बिलियन का आर्थिक पैकेज लेकर आ रहा है और उम्मीद है कि भारतीय बाजार पर फिर से इसका असर हो सकता है। और इस आशंका से चीन की इस नई घोषणा से पहले ही उसने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था जिसके बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालकर चीन की ओर रुख किया था। इसका नतीजा ये रहा था कि भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट देखी गई थी और पिछले हफ्ते बाजार में केवल एक दिन ही तेजी आती नजर आई जिसके कारण निवेशकों को 16,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार भी चीन का दांव भारतीय निवेशकों पर भारी पड़ सकता है। दूसरे ट्रिगर्स की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। निफ्टी 50 दिनों की औसत के नीचे बना हुआ है। इस हफ्ते अगर बात की जाए तो निफ्टी की रेंज 24,694 से 25,234 रही। 25,030 का स्तर पार करने पर बुल्स पकड़ बना सकते हैं। नीचे 24,800 24,700 के जोन में बड़ा सपोर्ट हो सकता है और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजों का असर भी बाजार पर देखने को मिल सकता है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले हफ्ते ईरान इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। रिजल्ट्स का मौसम है और अगर कंपनीज के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक आते हैं तो एक पॉजिटिव उम्मीद भी आ सकती है।
जानकारों की माने तो पिछले तीन कारोबारी सत्रों से निफ्टी 25,250 24,900 के दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। उम्मीद है कि कंसोलिडेशन ऊपर की ओर टूटेगा और शॉर्ट टर्म में निफ्टी 25,350 और 25,500 की ओर बढ़ता दिखेगा। वहीं 24,800 से नीचे जाने पर बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो बाजार को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो 14 अक्टूबर को भारत में सितंबर महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और वहीं सितंबर के WPI आंकड़े भी 14 अक्टूबर को ही आने वाले हैं। 15 अक्टूबर को US फेड में वॉलर्स की स्पीच है। 15 अक्टूबर को ही भारत में सितंबर महीने के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी आंकड़े आएंगे। वहीं 17 अक्टूबर को अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े और जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने हैं। 17 अक्टूबर को ही US के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आंकड़ा भी आना है। 18 अक्टूबर की बात की जाए तो US फेड्स की बैलेंस शीट आने वाली है सामने और 18 अक्टूबर को ही भारत में बैंक डिपॉजिट और लोन ग्रोथ के भी आंकड़े आने वाले हैं। अब जैसा कि हमने बात की कि आने वाला हफ्ता रिजल्ट्स वीक रहेगा, यानी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस दिन अगले हफ्ते में कौन सी कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी, क्योंकि इन नतीजों का भी भारतीय बाजार पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा। तो 14 अक्टूबर को रिलायंस अपने नतीजे जारी करने वाली है और इन नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही एंजल वन और ओरिएंटल होटल्स के भी नतीजे आएंगे। 15 अक्टूबर को HDFC लाइफ और HDFC के नतीजे हैं जो कि बड़े नतीजे माने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर की बात करें तो ऑटो सेक्टर के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बजाज ऑटो के नतीजे आने हैं। वहीं लार्सन एंड टूब्रो के भी नतीजे 16 अक्टूबर को आएंगे। 16 अक्टूबर को ही साउथ इंडियन बैंक और आदित्य बिरला मनी के भी नतीजे आने वाले हैं। 17 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो हेवल्स इंडिया, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, टाटा केमिकल्स के नतीजे इस दिन आने वाले हैं। 18 अक्टूबर को L&T फाइनेंस और जिंदल सॉक के नतीजे आने वाले हैं। 19 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं और टेक महिंद्रा के भी नतीजे इसी दिन आएंगे। 19 अक्टूबर को ही RBL बैंक और PC ज्वेलर के भी नतीजे आने वाले हैं। अगले हफ्ते अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स की बात करें तो बीते हफ्ते को देखते हुए कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आने वाले हफ्ते में बाजार के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अगर उन ट्रिगर्स पर नजर डालें तो चलिए आपको बता देते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बाजार के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो विदेशी निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली होती नजर आ रही है। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो अब तक अक्टूबर में 58,394 करोड़ के शेयर विदेशी निवेशक बेच चुके हैं। बीते हफ्ते ही उन्होंने 27,675 करोड़ के करीब शेयर बेचे हैं। कच्चे तेल में उबाल जारी है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड लगभग 2% चढ़ चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव इस समय $78 प्रति बैरल के पार जा चुका है। चीन में बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। जैसा हमने आपको बताया, चीन में इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कर्ज भी बांटे जाने का ऐलान किया जा सकता है। बात अब थोड़ी IPO की भी कर लें। 14 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में 3 IPO प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेने वाले हैं, मगर इस हफ्ते आने वाले IPOs में सबसे इंपॉर्टेंट है Hyundai Motors India Limited का IPO। ये मेन बोर्ड सेगमेंट का IPO है। इसके अलावा जिन दो कंपनियों के IPO आ रहे हैं वो SME सेगमेंट के IPO हैं, लेकिन Hyundai Motors के IPO की काफी चर्चा हो रही है। इसी से शुरू करते हैं। Hyundai Motor का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 15 अक्टूबर को ओपन होगा और 17 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। 14 अक्टूबर को कंपनी का IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी 8,315 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। इस हफ्ते 2 SME IPO की भी एंट्री होनी है। लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड IPO आने वाला है और लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड का ये जो IPO आएगा उससे 49,51,000 रुपए जुटाने के लिए 27.73 लाख शेयर जारी करेगी कंपनी। इसका IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 16 अक्टूबर को ओपन होगा और 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 21 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं IPO की लिस्टिंग NSE पर 23 अक्टूबर को होगी। तो ये SME सेगमेंट का पहला IPO हमने आपको बताया। अब दूसरे IPO की तरफ चलें तो लक्ष्य पावरटेक का जो IPO आने वाला है उसका प्राइस बैंड भी 171 से 180 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और एक लॉट 800 शेयरों का होगा। दूसरे IPO की बात करते हैं। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का IPO आने वाला है। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स IPO के जरिए
75 करोड़ 39 लाख रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी इसके लिए 64.99 लाख नए शेयर जारी करेगी। फ्रेशरा एग्रो का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 अक्टूबर को ओपन होगा और 21 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। निवेशकों के लिए शेयरों का अलॉटमेंट 22 अक्टूबर को होगा। तो ये थी आईपीओ की पूरी जानकारी। इसके साथ साथ ये भी जानते चलिए कि ये जो फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स का आईपीओ है उसका प्राइस बैंड 110 से 116 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयरों का होगा। तो कुल मिलाकर बाजार फिलहाल कंसोलिडेट करने के मूड में है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस तेज करेक्शन में कई बड़े स्टॉक अपने उचित वैल्यूएशन पर भी आ गए हैं। मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, पावर, बैंकिंग के कई स्टॉक्स अब निवेशकों की रडार पर भी हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स में गिरावट नजर आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि करेक्शन फेज में मेटल सेक्टर पर ध्यान दिया जा सकता है। इस सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से हलचल भी तेज है और जब जब मार्केट में पुल बैक आता है तो इस सेक्टर में खरीदारी अक्सर देखी जाती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स की अगर बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल 24,800-24,700 है। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 25,030 और 25,150 होगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 50,700-50,600 है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो 51,500 होगा। रिजल्ट सीजन में बाजार उथल पुथल दिखा रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में आपको बाजार से क्या कुछ उम्मीद है, ये जो पिछले ट्रिगर्स हमने देखे हैं और जितने भी ग्लोबल ट्रिगर्स खासतौर से चाइनीज मार्केट के ट्रिगर्स हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि बाजार में कैसी हलचल हो सकती है, आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते जरूरी बात सुनते जाएं कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिना उस एडवाइस के कहीं भी दांव ना लगाएं। बाकी ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।